हम लोगों पर आरोप लगाते थे नीतीश कुमार जंगल राज का, तो अब तो खुद देख रहे हैं कि उनके गृह जिला में एक एक साथ पांच पांच लोगों की हत्याएं हो रही है, तो इसको क्या कहा जाएगा, जंगल राज कहा जाएगा या मंगल राज कहा जाएगा? इसको अब तो जवाब देना चाहिए नीतीश बाबू को। इस तरह से पूरे बिहार में सुशासन के नाम पर जो पुलिस का जुल्म ढाया जा रहा है और गरीबों का इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, इसका जवाब तो मुख्यमंत्री को देना चाहिए। और इससे बड़ा शर्मसार क्या हो सकता है कि जो न्याय के साथ विकास की बात करते हैं उन्हीं के गृह जिला में इतनी बड़ी घटना घट रही हो। विपक्ष दोस्तों, सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन और आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा के छबीलापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत लोदीपुर गांव में नरसंहार की घटना को अंजाम दिया गया, जहां भूमि विवाद में रिश्तों का कत्ल हुआ और पांच लोगों की हत्या हुई। हत्या के बाद लगातार पीड़ित परिजनों से नेताओं का मिलने का दौर शुरू हो गया है। आज राष्ट्रीय जनता दल के विधायक राकेश रोशन और प्रदेश प्रवक्ता सहिलसा के पूर्व विधायक शक्ति सिंह यादव पीड़ित परिजनों से मुलाकात करने के लिए उनके गांव पहुंचे हैं और क्या कुछ उनसे हम बातचीत करेंगे। आखिर किस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया है, किस तरह से बिहार में अपराधी बेखौफ होकर लगातार आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, तो सबसे पहले हम राकेश रोशन के पास चलते हैं। आज पीड़ित परिजनों से आप मुलाकात कर रहे हैं सर? जी, हम लोगों को घटना की सूचना मिली, उसके बाद हम लोगों ने सब लोग मिल करके ये फैसला लिया कि घटना स्थल पर जाना चाहिए, इसलिए हम लोग सब घटना स्थल पर आए हैं और घटना की जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गृह जिला है और कहीं ना कहीं इस प्रकार बड़ी वारदात को अंजाम देना सुशासन पर एक सवाल खड़ा करता है। देखिए, सबसे पहली बात तो है कि अभी आप बयान सुन रहे होंगे मृतक के परिजन का, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि इस घटना को कारित कराने के पीछे सबसे बड़ा कोई दोषी है तो वो छबीलापुर का थाना अध्यक्ष है। घटना के दो घंटा पहले इन्होंने फ़ोन किया था और फ़ोन करने के बाद भी पुलिस यहाँ नहीं पहुँची। पुलिस जब पहुंची, जब एसपी साहब आए तो उनके साथ थानेदार आए, तो पुलिस का असली चेहरा आपके सामने उजागर हुआ। हम लोगों पर आरोप लगाते थे नीतीश कुमार जंगल राज का, तो अब तो खुद देख रहे हैं कि उनके गृह जिला में एक एक साथ पांच पांच लोगों की हत्याएं हो रही है, तो इसको क्या कहा जाएगा, जंगल राज कहा जाएगा या मंगल राज कहा जाएगा? इसको अब तो जवाब देना चाहिए नीतीश बाबू को। यही नहीं, सिर्फ नालंदा का ही बात नहीं है, पूरे बिहार के अंदर आपने देखा कि लगातार कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन की दर्जनों हत्याएं नहीं हो रही है, अपराध की घटनाएं नहीं हो रही है, बलात्कार नहीं हो रहा है। सारे जगहों पर ये लगातार ये क्रमवार चलता रहा है और प्रशासन की विफलता ही सब जगह उजागर हुई है। अभी आपने देखा कि एक हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण साथी थे, वो आपके कटिहार के मेयर थे, उसकी हत्या कर दी गई, अभी तक अपराधी चंगुल से बाहर है। तो इस तरह से पूरे बिहार में सुशासन के नाम पर जो पुलिस का जुल्म ढाया जा रहा है और गरीबों का इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, इसका जवाब तो मुख्यमंत्री को देना चाहिए। और इससे बड़ा शर्मसार क्या हो सकता है कि जो न्याय के साथ विकास की बात करते हैं उन्हीं के गृह जिला में इतनी बड़ी घटना घट रही हो। विपक्ष इस घटना को किस रूप में देख रहा है, किस तरह पीड़ित परिजनों को न्याय दिलाने में सहायता करेगा? देखिए, एक तो ये घटना जमीनी विवाद का है, तो जमीनी विवाद का जहाँ है वो तो न्यायिक पक्ष है, न्याय उसके लिए न्यायालय है, न्यायालय सक्षम है, न्यायालय फैसला करेगा। लेकिन जो घटना के उस जमीन के चलते जो आपराधिक घटना हुई, इस आपराधिक घटना में जो भी दोषी है उन दोषियों पर कार्रवाई कराना और मृतकों के परिवार को न्याय दिलाना, सरकार से उसको मुआवजा दिलाना, ये हमारे पार्टी का मुख्य कर्तव्य है और इसी के लिए हम लोग इस घटना स्थल पर आए हैं। सर, आप विपक्ष के विधायक हैं, हमारा एक महत्वपूर्ण सवाल है। बिहार में ज़्यादातर घटनाएं जमीनी विवाद में ही होती है, लेकिन उसमें पुलिस वाले बदनाम होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस जमीन के मामले में राजस्व के अधिकारी और कर्मचारी की भी संलिप्तता देखी जाती है, लेकिन उन पर आज तक कहीं कोई कार्रवाई आपने भी नहीं देखा होगा, इसे आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, पता नहीं आपको मालूम है या नहीं, 1972 में इस देश के अंदर भूमि सुधार कानून लागू हुआ था,
और भूमि सुधार कानून जो लागू हुआ उसमें सबसे पूरे देश के अंदर कोई अव्वल राज्य है तो वो है पश्चिम बंगाल, जहां 100% भूमि सुधार कानून को लागू कर दिया गया, जिसके चलते कभी आप ये बात नहीं सुनते होंगे कि वहां किसी तरह से जमीन के चलते कोई घटना हुआ। बिहार में सरकार ने जनता के दबाव में ये कानून जरूर बना दिया, लेकिन इसको जिस रूप में इम्प्लीमेंट करना चाहिए वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है, और इस इम्प्लीमेंटेशन की जिम्मेवारी किसकी है? सरकार की है। एक तरफ सरकार कहती है कि भूमिहीनों को जमीन देंगे, एक तरफ सरकार कहती है कि जिसको हम जमीन दिए हैं उसको पर्चा देंगे, पर्चा जिसको मिला उसको कब्जा दिलाएंगे। लेकिन लगातार आप देखिएगा, जाइएगा अंचल कार्यालय में, राजस्व कार्यालय में, तो कतार लगा हुआ है लोगों का, लोग कागज लेकर के खड़ा है, सीओ के यहाँ, DCLR के यहाँ, कि हमको कब्जा दिला दीजिए, पर्चा दिला दीजिए। तो ये तो इससे बड़ी सरकार की क्या विफलता हो सकती है। और जहां तक आपने कहा कि पदाधिकारियों पर कार्रवाई का, तो ये कार्रवाई तो निश्चित करना सरकार को है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने इधर 3 महीना पहले घोषणा किया और पूरा इसका प्रचार प्रसार कराया कि हम लोग हर थाना अध्यक्ष को कहा है कि अपने अपने इलाके में जहां भी जमीन संबंधी विवाद है उसको सुलझाने का प्रयास कीजिए। लेकिन यदि आप इसको देखिएगा तो जमीन पर यह कार्रवाई नहीं हो रही है। सरकार के पदाधिकारी क्या आए, जे MLA, हम लोग भी लिख के देते हैं जनता की समस्या को कि इसको जनता दरबार में रख के दोनों पक्ष को बुला के सुलझा दीजिए, लेकिन सिर्फ कागजी प्रक्रिया करके दोनों पक्षों को मामला को सुलझाने का प्रयास नहीं किया जाता है। और इसके वजह से जो सरकार के अंदर भूमि सुधार कानून है वो जब तक 100% बिहार में लागू नहीं होगा तब तक इस तरह की घटना और हत्या का दौर चलता रहेगा। यानी बिहार में कानून को कंट्रोल करने में सरकार नहीं, सरकार नहीं इस कानून को लागू करने में ही पूरे तौर पर विफल है। भूमि सुधार कानून बिहार में लागू ही नहीं है, और जहां पे लागू हुआ, मैंने तो उदाहरण दिया आपको कि पश्चिम बंगाल में देखिए, केरल में जाकर के देखिए, इन प्रदेशों में कहीं भूमि विवाद के चलते कोई समस्या पैदा नहीं होता। लेकिन बिहार एक ऐसा प्रदेश है, उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है कि जहां आपने ठीक ही कहा कि अधिकांश घटनाओं के पीछे यदि कोई कारण ढूंढा जाता है तो वो जमीन संबंधी विवाद ही है। तो ये थे हमारे साथ इस्लामपुर से राष्ट्रीय जनता दल के विधायक, और आज ये छबीलापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत लोदीपुर गांव में आकर उन पीड़ित परिजनों से मुलाकात कर रहे हैं जिनके परिवार वालों की जमीनी विवाद में हत्या कर दी गई। दोस्तों, लगातार हम आप तक इस गांव से ग्राउंड रिपोर्टिंग पहुंचा रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए और पाइए बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबरें। दोस्तों, सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले।